दब आर्म्स फोर्सेस के चैंपियन रहे हैं और उनका एक रैकेट हर दो महीने के बाद जब टूट जाता था तो वो बैटमैन को दिया करते थे कि फेंक दो इसको. तो इट्स सो हैपेंड कि आई गॉट दैट होल्ड ऑफ दैट रैकेट. वो टूटे हुए रैकेट से मैंने स्टार्ट किया और शुरू में मैं छुप के खेला करती थी बिकॉज जिस टाइम पे टेनिस का टाइम पे मेरे फादर खेलने जाते थे वो हमारा अक्सर स्टडी टाइम होता था और वो लोग घर में अम्मी अब यही इनकरेज करते थे कि आप घर में बैठ के उस टाइम पे होमवर्क करो. तो शुरू में तो मैं दीवार से खेलती थी और उसकी वजह से नेबर्स भी काफ़ी नाराज़ होते थे, कंप्लेन करते थे कि सारी दोपहर आपकी जो बेटी है वो सोने नहीं देती हैं, ठक ठक आवाज़ आती थी. उसके बाद ये था कि माय फादर यूज़ टू गो एंड प्ले एट 5, तो मैं 2 घंटे 1 घंटा पहले चली जाती थी और छुप के खेल लेती थी मार्कर को और उसको भी ब्राइब करना पड़ता था कि मेरे साथ खेलो. तो इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए. तो खेलते खेलते ये था कि मैं 9 की एज में काफ़ी आई वॉज़ वेरी स्लिम, वेरी थिन गर्ल. तो रैकेट जो है मैं दोनों हाथों से पकड़ती थी, जो कि फोर हैंड और बैक हैंड, जो कि टेनिस जो है जनरली एक हाथ से पकड़ा जाता है. कोई लोग अगर दोनों हाथों से खेलें भी तो वो बैक हैंड दोनों हाथों से पकड़ते हैं. तो एज इट इज़ कि आई वॉज वीक ऑल्सो फिजिकली थिन, तो मैं दोनों हाथों से फोर हैंड भी मारती थी जो क्रिकेट बैट का स्टाइल है. तो एज इट इज़ के 2-3 महीने खेल के माई गेम रियली इम्प्रूव. तो मार्कर बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे तो इस बात का रियलाइज़ नहीं किया. तो एक आई डेवलप्ड अ यूनिक स्टाइल. तो एक दफ़ा ही मैंशन दिस टू माई फादर कि जी आप कभी आलिया बीबी को खेलते देखें, बहुत अच्छा खेल खेलती हैं. तो इसी तरह एक दफ़ा वो आए, उन्होंने छुप के मुझे खेलते देखा एंड ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस क्योंकि आई वॉज़ प्लेइंग गुड और बड़ा यूनिक मेरा स्टाइल था. और उसके बाद फिर ही टुक मी टू द शॉप, वहाँ से पूरा किट दिलाई एंड प्रॉपर न्यू रैकेट लेके दिया. एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, वर्किंग हार्ड. फिर एट दी एज ऑफ 11, 2 साल के बाद पहली दफ़ा अनाउंस हुआ कि नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप्स हो रही थी. वैसे जूनियर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था लेडीज़ का क्योंकि इतना लड़कियां खेलती नहीं थी, लेकिन उस साल ये था कि काफ़ी फॉरेनर्स की भी एंट्रीज आई थी. तो आई वॉज़ वेरी लाइक नोबडी इन द फैमिली थॉट कि आई विल गो एंड विन इट और एनी थिंग. उन्होंने यही कहा कि इनकरेजमेंट हो जाएगी. अंडर 18 था और मोस्टली गर्ल्स 17-18 साल की थी. आई वॉज़ वेरी स्मॉल, तो यही सोचा कि चलो लाहौर चलते हैं, वहाँ पे एक्सपोजर हो जाएगा और कुछ नहीं. तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट टूर्नामेंट एंड वेरी सरप्राइजिंगली एट दी एज ऑफ 11 आई बिकेम द नेशनल जूनियर चैम्पियन. फिर 2 साल के बाद खेलते रहे इसी तरह, नेशनल्स भी खेलती रही. तो एट दी एज ऑफ 13 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई बिकेम द नेशनल चैम्पियन. और फिर ये था कि जितने वहाँ पर लोग थे दे ऑल सेड कि आई एम अ टेनिस प्रोडिजी और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझ में सबको दिखाई दे रहा था. तो PIA जो है उन्होंने अपनी एक स्पोर्ट्स जिस तरह जहांगीर खान हैं, इमरान हैं, इन सबको रखा हुआ था, मुझे भी उन्होंने स्पोर्ट्स में ले लिया. एंड एट दी एज ऑफ 14 आई वेंट अब्रॉड टू इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड एज इट इज़ देन आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सब ममालिक में खेला. एंड एट दी एज ऑफ 15 आई प्लेड एट विंबलडन. मगर आप क्या शलवार कमीज पहन के खेलती हैं? जी बिल्कुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कि आई प्लेड इन शलवार कमीज और मुझे कहीं ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है शलवार कमीज पहनने. पाकिस्तानी गर्ल वेयरिंग अ ग्रेसफुल ड्रेस, उससे खेलने में तो मुश्किल होती थी आपको? बहुत ज़्यादा जी. अगर मैं शलवार कमीज में ना होती तो मेरी परफॉर्मेंस 50% ज़्यादा अच्छी होती बिकॉज इंग्लैंड में खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में विंडी कंडीशंस होती हैं. शलवार कमीज़ में एक तो रिस्ट्रिक्शन आपकी रनिंग में काफ़ी जो है प्रॉब्लम होता है. गेम्स में लड़कियाँ बहुत कम आती हैं, इसकी क्या वजह, टैलेंट की कमी होती है या क्या? नहीं जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टैलेंट की किसी तरह से कमी नहीं है. फिज़िकली भी लड़कियां जो हैं, अगर आप अपनी जैपनीज़ या चाइनीज़ काउंटर पार्ट देखें, टॉल भी हैं पाकिस्तानी गर्ल्स, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है. मैं बाकी स्पोर्ट्स का इतना आई वुंट लाइक टू एम्फसाइज, लेकिन टेनिस के अंदर आई फील कि टेनिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम. एक जो टेनिस रैकेट है वो ही कम अज़ कम 3-4 हज़ार का आता है. फिर यह है कि क्रिकेट और हॉकी में आपने देखा है कि हमने एक्सेल इसलिए किया कि लड़के जगह जगह रोड पर खड़े होकर क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी भी कहीं भी मैदान मिले. टेनिस के लिए एक कोर्ट होना ज़रूरी है. बाहर के मुल्कों में लड़कियां जो इतना एक्सेल करती हैं या कि लड़के लड़कियां दोनों जो टेनिस में एक्सेल करते हैं वो ये है कि वहाँ जगह जगह कम्युनिटी कोर्ट्स हैं. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है. जिसने टेनिस खेलनी है वो किसी क्लब का मेंबर बने और क्लब की मेंबरशिप भी कम अज़ कम 50-60 थाउज़ेंड आजकल जो अच्छे क्लब्स हैं जहाँ पर टेनिस कोर्ट्स हैं, वो एक बड़ा हैसल हो जाता है. उसके अलावा फिर कोचिंग के लिए जो है, मेरा तो गुड लक था कि माई फादर वॉज अ प्लेयर, मुझे उनकी गाइडेंस में कोचिंग भी मिल गई बिकॉज पोटेंशियल तो मुझ में था बट इट वॉज ब्रश्ड अप. इफ़ आई नो बडी, शुरू में तो हर लड़की को शौक, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं आलिया होंगी जो दीवारों के साथ खेलती हैं जिनको शौक है, लेकिन आगे जाके उनको कोई इनकरेज नहीं करता. हमें चाहिए कि अकेडमीज बना लें 8-9 साल के बच्चे जो हैं. लाइक आई एम रेडी टू हेल्प आउट, आई हैव ऑलवेज ऑफर्ड माई सर्विसेज. के एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो हमेशा डिटर्मिन कर सकता है कि किस बच्चे में पोटेंशियल है. 7-8 साल का बच्चा भी है उसमें भी अगर पोटेंशियल नज़र आए तो हमें अकेडमीज़ खोलनी चाहिए. जैसा स्वीडन में ये हो रहा है कि उन्होंने टेनिस अकेडमीज खोली और पूरे स्वीडन से 8-9 साल के जो बच्चे हैं उनको टैलेंट हंट किया जाता है और फिर उसके अकेडमी में ले आते हैं.
और आजकल तो स्वीडन वगैरह में आप यूरोप